हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, आप लोगों ने पिछले वीडियो में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नाम देने आपने सीख लिए, ठीक है, कि किस तरीके से अगर उसमें एक कार्बन है या दो कार्बन है, तीन कार्बन है, या फिर अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम उनका नाम कैसे दें, हम उनका नोमेनक्लेचर कैसे करें, ठीक है ना। अभी हम लोग एक बेसिक से हमने एक आइडिया ले लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपसे पूछना चाहें अगर कि आप मेरे को इसका नाम बता दो ज़रा, C3H8 का नाम बता दो, बता दे रहे हो तो दैट मीन्स आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ चुकी है, दैट मीन्स आप चीज़ों को समझ चुके हो। नहीं बता पा रहे हो दैट मीन्स कुछ दिक्कत है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि चलो मेरे को बता दो C3H6 का नाम बता दो, या मेरे को आप C4 और H6 का नाम बता दो, तो इन सब का आपको नाम अगर देखो अगर आप बता दे रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बता रहे हो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है। या फिर आप इसका नाम बताओ, C5H12 का नाम बता दो, या फिर आप बता दो C6H10 का नाम बता दो, या फिर आप इसका नाम बता दो C6H12 का नाम बता दो। तो अगर नाम बता दे रहे हो दैट मीन्स आपकी चीज़ें क्लियर। देखो C3H8 का नाम आपका होगा प्रोपेन, C3H6 का नाम होगा प्रोपीन, और C4H6 का नाम होगा ब्यूटाइन। इसी तरीके से C5H12 का नाम होगा पेंटेन, C6H10 का नाम होगा हेक्सीन, और C6H12 का नाम होगा C6H10 का नाम होगा हमारा हेक्साइन, ओके हेक्साइन, दैट इज दिस इज हेक्साइन, और C6H12 का नाम होगा हमारा हेक्सीन, ओके। चलो तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस वीडियो में जो बेसिकली टॉपिक होगा ना, वो हमारे दो टॉपिक होंगे आज। एक हमारा होगा एल्किल ग्रुप, ओके, और एक हमारी होगी ये एल्किल ग्रुप के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग एक पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए। जैसे आप देखोगे एल्कोहल कैसे बनेगा, या फिर एल्डिहाइड कैसे बनते हैं, सब आपने नाम अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, पहली बार सुन रहे हो अच्छी बात है, ठीक है। तो अल्कोहल कैसे बनेगा, एल्डिहाइड कैसे बनेगा, तो इन सब के ना ग्रुप्स होते हैं, ये सब ग्रुपिंग में मतलब होती हैं। अब ये किसी के सब भी कार्बन वाले हमारे जैसे एल्केन के साथ जाकर के जुड़ते, तो एल्केन के साथ नहीं जुड़ती, क्योंकि सर एल्केन तो सर कंप्लीट है। एल्केन जैसे मान लो मैंने कहा मेथेन, तो मेथेन तो कंप्लीट है, वो अब कार्बन अपने साथ किसी एटम को जुड़ने क्यों देगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक हमारा टर्म आता है एल्किल ग्रुप। तो हमारा जो देखो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होने वाला है, एल्किल ग्रुप, ठीक है। एल्किल ग्रुप वो हिंदी में एल्किल ग्रुप ही कहते हैं। देखो एल्किल ग्रुप बेसिकली क्या है ना, कि ये हम बनाते हैं, याद रखना है किससे, तो हम लोग ये बनाते हैं किसी एल्केन से। एल्किल ग्रुप हम लोग किससे बनाते हैं, तो ये हमें बनाई जाती है, ये मिलती है किससे, किसी एल्केन से, ठीक है। तो होता क्या है कि किसी भी एल्केन से, ध्यान से मेरी बात को सुनो तो शायद आपको ये बात समझ में आए, किसी भी एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी भी एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो जो ग्रुप बनती है उसे हम लोग बोलते हैं एल्किल ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन इज कॉल्ड एल्किल ग्रुप या गिव्स एल्किल ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मैंने कहा, अगर हम इसको सीधे सीधे अगर शब्दों में अगर लिखना चाहें तो हम कहेंगे, देखो भाई मेरे पास था एक एल्केन, इस एल्केन से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, ये एच माइनस का मतलब क्या, एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं, तो देखो अब क्या बनेगा, अब हमारा बन जाएगा एल्किल। ये छोटी सी बात आपको इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे याद रखनी है। अब आपने कहा सर एल्केन, तो एल्केन फैमिली में आप तो बहुत सारा मेंबर जानते हो ना, आप जानते हो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरीके से आप जानते हो। तो मान लो मैंने लिया पहले एल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर, अगर आपसे पूछे कि गिव द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली, तो आप क्या बताओगे, मीथेन बताओगे ना, मेथेन बताओगे या मीथेन बताओगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं CH4, क्या बोलते हैं CH4। देखो तो मीथेन से हमें क्या करना है, हमें एक हाइड्रोजन निकाल लेना है। तो अब अगर मैंने एल्केन, ध्यान से सुनना, अगर जरा राइमिंग देखो, इसमें राइमिंग का सारा खेल है। अगर आप एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल करके एल्किल बना रहे हो, तो मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाल करके मेथिल नहीं बनाओगे, बोलो बात समझ आएगी। तो मतलब कि CH4 से अगर हमें एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दें तो हमारा ये हो जाएगा CH3। और जैसे ही एक हाइड्रोजन देखो निकला ना, तो एक जगह खाली हो गई कि नहीं, यानी कि कार्बन के पास एक ये क्या दिखाता है, ये शो करता है, ये जो लाइन मैंने
हमने जो बनाई है ये लाइन शो करता है कि कार्बन के पास अब एक एक्स्ट्रा मतलब एक खाली जगह हो गई है। कार्बन यहाँ से किसी दूसरे के साथ क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। अब वो कौन जुड़ेगा, कोई फंक्शनल ग्रुप आकर के धीरे से इसके साथ जुड़ जाएगा, जिससे कि कार्बन की वैलेंसी फिर से कितनी हो जाएगी, 4 वैलेंसी हो जाएगी। ओके, अब इसी तरीके से आप मेरे को बता दो कि अगर हम लिखते हैं एथेन या इथेन, कह लो इथेन, ठीक है एथेन, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो बताओ जरा क्या बनेगा, एथिल बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या, एथिल बनेगा। मतलब एथेन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, C2H6 होता है, ठीक है। इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5 और इसके आगे क्या लगेगा, एक खाली जगह। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2, और यहाँ पे 2 होने का मतलब क्या है कि एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जगह खाली है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हमारा जो ग्रुप है वो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कार्बन इस तरफ ऐड कर रहा है, या मान लो किसी बच्चे ने इस CH2 को इधर लिख दिया, है ना, एक एच इधर लगा दिया, एक एच इधर लगा दिया और यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिया, तो यहाँ पर भी कोई हमारा एक ग्रुप जुड़ सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे भी जुड़ना चाहिए, बस कार्बन से वो अटैच होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसे बोलेंगे एथिल, क्लियर बात, यानी कि C2H5 ऐसे लिखो, या फिर इसी को आपको ये लॉन्ग फॉर्म में दिखेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से CH3CH2 और यहाँ पर एक खाली जगह, यहाँ पर कोई भी एक आकर के चीज़ इससे जुड़ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओके ना, अब अगर इसी तरीके से अगर हम बोले कि आप अगर आपके पास अगर प्रोपेन है तो निकाल दोगे, आप प्रोपेन है, ठीक है। तो अगर प्रोपेन से अगर हम एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव करते हैं तो देखो क्या बनता है, प्रोपिल, PROPYL, दैट मीन्स मैंने मान लो कहा कि मेरे पास था प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला सभी बच्चे आप लोग जानते हो, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2 और CH3, देख लो प्रोपेन लिखा जाए, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं C3H8, बात बराबर है ना। तो प्रोपेन से अगर मैंने देखो अगर एक हाइड्रोजन अगर निकाल दिया तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे C3H7 और इसे आप क्या लिखोगे, CH3CH2CH2 और एक यहाँ पर खाली जगह आपको दिखानी पड़ेगी, दैट इज़ ए प्रोपिल, प्रोपिल हमारा हो गया। तो प्रोपेन से मैंने क्या बना लिया, प्रोपिल। इसी तरीके से बात समझ में आ गई। तो एल्किल ग्रुप आपको समझ में आया कि एल्किल ग्रुप देखो आपको कैसे मिल रहा है, तो किसी भी एल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहे हो तो उस कार्बन के पास ना एक एक्स्ट्रा जगह खाली हो गई, जिससे कि वो किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को आपस में अटैच कर सकता है, दैट इज़ एल्किल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना इसके कोई भी चीज़ नहीं बनेगी, ध्यान रखने वाली बात है। अब हम लोग बात करते हैं अपने देखो फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना इसके कोई भी हमारा जो कंपाउंड है वो नहीं बनेगा। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली देखो क्या होते हैं, कुछ कह सकते हैं कि एक ग्रुप या तो एक सिंगल एटम का ग्रुप हो सकता है या एक मॉलिक्यूल का ग्रुप हो सकता है, मेरी बात समझ आ रही, जैसे कि हो सकता है आपका वो केवल फ्लोरीन हो सकता है, केवल क्लोरीन हो सकता है, तो दैट इज़ हमारा क्या, एक सिंगल एटम, मतलब एक हमारा एक सिंगल एटम का ग्रुप है, या फिर वो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे मान लो मैंने कहा कि OH हमारा ये एक मॉलिक्यूल हो गया, जैसे मान लो मैंने कहा कि CHO ये हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब, फंक्शनल ग्रुप बेसिकली दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो सिंगल एटम के फॉर्म में या फिर वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। अब होता क्या है ना कि ये जो भी हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप जो पढ़ने जा रहे हैं, ये सभी जा करके हमारे किसी भी एल्किल ग्रुप से जा करके अटैच हो जाते हैं। देखो याद करो, एक जगह खाली हुई थी एल्किल ग्रुप में, हमने क्या किया था, हमने एक जगह खाली कर दी थी, जिससे कोई भी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो जाकर के उस कार्बन से अटैच हो जाए, जिससे कार्बन की वैलेंसी फिर से 4 हो जाए। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो कि एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है ना, एटम या ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल जो कि प्रेजेंट होता है किसी भी एल्किल ग्रुप में। अब मान लो मैंने कहा, देखो अब यहाँ पे हमें ना कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम याद रखने पड़ते हैं। तो पहला आपका नाम याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी देखो को क्वेश्चन भी देंगे, तो ध्यान से सुनो। पहला हमारा जो होता है वो हमारा होता है हैलोजन फैमिली, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें हैलोजन में देखो बेसिकली 4 चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी 4 चीज़ें आ जाती हैं, तो एक हमारा आता है फ्लोरीन, इसके आगे रहेगा एक डैश, मतलब ये किसी से जुड़ सकता है। इसी तरीके से क्लोरीन, इसके आगे भी एक खाली जगह, दैट मीन्स ये भी किसी से जुड़ सकता है, और एक ब्रोमीन और एक आयोडीन, ठीक है।
तो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, किसके, हैलोजन फैमिली के, इसमें हमारे क्या मेंबर हो गए, है ना। अच्छा, इनका देखो हम लोग क्या करते हैं, एक बात और भी याद रखोगे, जब भी हम किसी ग्रुप को जब भी हम किसी फंक्शनल ग्रुप को, हम जो अपने अपने बेस एल्किल ग्रुप में जब जोड़ते हैं, वो चाहे एक कार्बन के साथ जोड़ें चाहे दो कार्बन के साथ, तो हम ना उनका कुछ नाम देते हैं। अब ये नाम बेसिकली हो सकता है कि या तो सफिक्स में यूज़ करें या फिर प्रीफिक्स में यूज़ करें। तो हैलोजन के केस में याद रखना चाहिए, हम लोग सफिक्स नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग केवल और केवल प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। हम लोग हैलोजन के केस में क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, कोई भी सफिक्स यूज़ नहीं करते। मैंने कहा था कि सफिक्स का और प्रीफिक्स का क्या मतलब है कि नाम के जो पहले और नाम के जो बाद में लगाया जाए, तो इस केस में हैलोजन के केस में हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स, ठीक है। अच्छा, क्या बोलेंगे, तो देखो जो एफ है यानी कि जो फ्लोरीन है भाई, जैसे देखो मैंने कहा ना हैलोजन, ठीक है ना, तो ये हमारा जो फ्लोरीन है वो हमारा बन जाएगा फ्लोरो, फ्लोरीन हमारा किस में बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फ्लोरो में बन जाएगा। इस तरीके से हमारा जो क्लोरीन है वो बन जाएगा क्लोरो, ठीक है। ये सब प्रीफिक्स हैं, क्या हैं ये सब प्रीफिक्स हैं। ब्रोमीन हमारा बन जाएगा ब्रोमो, और आयोडीन हमारा बन जाएगा आयोडो, बात समझ आ गई। इस तरीके से आपको ये नाम प्रीफिक्स याद रखने हैं। तो पहला आपने क्या देखा, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप। दूसरा हमारा जो है वो आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल। तो इसकी पहचान कैसे है, इसकी हम लोग देखो पहचान कैसे करेंगे, तो इसका आपको जो देखने को मिलेगा वो कुछ ओ और एच एक साथ देखने को मिलेगा, ओ एच इस तरीके से, और यहाँ पर एक रहेगी इसकी बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसका देखो, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं सफिक्स। तो इसका हम लोग सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, ऑल, जैसे कहते हो ना भाई एथेनॉल, नाम सुना होगा, कोई बात नहीं, अभी अचानक से कभी आपने सुन लिया होगा एथेनॉल या फिर मैथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑल, तो हम लोग इसमें सफिक्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, यानी कि हमें जहाँ भी अगर OH वर्ड दिखेगा अपने फॉर्मूले में, तो हमें उसे तुरंत लास्ट में क्या लगाना है, जैसे मैंने कहा मान लो भाई एक कार्बन का है तो मेथ, तो मेथेन प्लस ऑल, तो हो जाएगा मेथेनॉल, इस तरीके से हम लोग नाम देंगे। ओके, फिलहाल तीस पर अभी आपको क्या करना, हम जो आपको क्या बता रहे हैं कि इन चीज़ों को आपको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेनी है, कि ठीक है भाई हैलोजन में है तो हैलोजन में चार हमारे मेंबर आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, का क्या नाम देंगे इसका, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। एल्कोहल आ गया तो कैसे पहचानेंगे कि एल्कोहल है, तो OH उसके ऊपर लगा हुआ रहेगा, उस पूरे हमारे कंपाउंड में कहीं भी एक OH लगा हुआ रहेगा, तो दैट मीन्स वो एल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर जाएगा। इसी तरीके से अगर हम तीसरी अगर बात करें तो एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में कैसे पहचाना जाएगा, तो ये हमारा होता है CHO। अब देखो एक बड़ी, यानी कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑलरेडी एक कार्बन पहले से अवेलेबल है। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझो, ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है ना जिसमें कार्बन ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ये। फिर तो कार्बन एक ऑलरेडी अवेलेबल, अब देखो कार्बन अगर जब भी किसी ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो हमेशा वो डबल बॉन्ड से अटैच होता है, मेरी बात को समझना कैसे, तो इसी चीज़ को कभी कभी ये ऐसे भी लिखा हुआ देखने को आपको मिल जाएगा। कैसे, देखो कुछ इस तरीके से, ये सी है, ठीक है, और अगर कार्बन के साथ अगर एक ऑक्सीजन है तो हमेशा वो डबल बॉन्ड से अटैच होगा और एक एच है, तो इस तरीके से भी आपको कभी देखने को मिल जाएगा CHO या फिर CO डबल बॉन्ड O और H, इस तरीके से। देखो एक जगह पे भी खाली है कि नहीं है, ये वाली जो जगह है ये भी क्या है, खाली है, यहाँ से ये जाकर के किसी फंक्शनल ग्रुप से क्या हो जाएगा, जाकर के अटैच हो जाएगा। क्लियर बात, तो कार्बन जब भी एक ऑक्सीजन के साथ होगा वो हमेशा डबल बॉन्ड से, और कार्बन जब भी दो ऑक्सीजन के साथ होगा, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे, हमेशा वो एक एटम के साथ, क्या बोल रहे थे, कार्बन अगर एक ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़ा है तो डबल बॉन्ड, और अगर कार्बन अगर दो ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा है तो एक ऑक्सीजन का एटम डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन का एटम सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कैसे भी हम लोग आगे देखेंगे। तो एल्डिहाइड में मैंने क्या कहा, CHO पहचाने का तरीका क्या, या तो CHO इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा या फिर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, कोई बात नहीं, ये चीज़ ऐसे भी इसको आपको ये नीचे भी दे सकता है, मतलब ये C डबल बॉन्ड O और इधर H, कैसे भी दे सकता है। तो इसमें भी देखो हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं, क्या हम लोग इसका सफिक्स यूज़ करते हैं, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अल, ए एल, अल, एल्कोहल के लिए OL, ऑल, और एल्डिहाइड के लिए अल। उसके बाद हमारे जो चौथे नंबर पर आता है वो हमारा आता है, चौथे नंबर हमारा देखो आ जाता है, हम लोग किसको लेते हैं, कीटोन के लिए, चलो हम लोग ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या चीज़ है, इसको सर कैसे पहचानेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड आपने सुना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड, या आपने विनेगर वगैरह का नाम सुना होगा, सुना है ना, वही चीज़ है। तो देखो इसका कैसे पहचानोगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया? तो इसका जो आपको दिखा, जो आपने बेस एल्किल ग्रुप में जो आपको दिखेगा वो दिखेगा COOH, यानी कि COOH। याद करो मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, कि ये इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर कार्बन के साथ अगर दो ऑक्सीजन अगर अटैच है तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, ठीक है। और देखो एक जगह यहाँ पर हो गई खाली, ये बात समझ में आ रही है क्या? ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से भी अगर कहीं भी कोई चीज़ अगर लगी हुई हो किसी भी हमारे एल्किल ग्रुप के साथ, तो समझ लेना है कि हमारा क्या है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, इसका हम लोग नाम कैसे देते हैं? इसमें भी हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं। सफिक्स का मतलब समझ में आता है, जो नाम के बाद लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं ओइक एसिड, OIC और ACID, ओइक एसिड। कोई भी गैपिंग नहीं देनी है, सब एक जैसा, एक सेम अमाउंट में चीज़ें रहेंगी। फिफ्थ नंबर पर देखो हमारा जो आता है वो आता है कीटोन, कीटोन, ठीक है। अब इसको कैसे पहचाना जाए सर? तो इसका आपका सीधा सा फॉर्मूला होता है CO, बस CO, और इधर भी खाली जगह रहेगी, इधर भी। मतलब याद रखना, कीटोन जब भी किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ेगा हमेशा वो बीच में जुड़ेगा। अभी देखो क्या था कि हमारा ये सब जितने भी अभी हमारे जो फंक्शनल ग्रुप थे वो सब किनारे जुड़ते थे लास्ट में, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है, बीच में भी जुड़ सकते हैं, लेकिन ये जो कीटोन है ये हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा मस्ट है कि ये बीच में ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों जगह, इसमें इधर भी जगह खाली, इधर भी जगह खाली, तो इधर भी कोई कार्बन जुड़ जाएगा, इधर भी कोई कार्बन। डोंट वरी, अभी हम लोग एग्जांपल आपको नहीं दे रहे हैं, बस अभी हमने सीधा आपको ये कहा है कि आप ये इन सारे फंक्शनल ग्रुप के नेम आपको याद रखने हैं, कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, हमें ऑल लगाना है कि अल लगाना है, या ओइक एसिड लगाना है, या फिर हमें ओन लगाना है। तो इसका जो सफिक्स होता है कीटोन का हम लोग जो सफिक्स यूज़ करते हैं ओन, याद रखना स्पेलिंग ONE, ओन, प्लीज रिमेंबर दिस, ओन, ये वन नहीं है, हम लोग इसको बोलेंगे ओन, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, जैसे प्रोपेनोन, ओके। क्यों प्रोपेनोन क्यों बोला सर? सर मेथेनोन क्यों नहीं बोल सकते, या फिर सर एथेनॉन क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो सब सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट अभी आपका क्या काम है, इन सब सारे नाम को आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब अगर हम आपको कुछ एग्जांपल दें, ये आपने नाम देख लिए, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एक बार इनको ज़रा समझ लो, इनको ज़रा नाम याद कर लो। अब हमको कुछ क्वेश्चन देते हैं कि आपको बस इतना बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओके, देख लिया। चलो ज़रा देखो, अब जैसे मान लो अगर हम आपको दे देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया कुछ ये CH3CHO, बस आपको इसका नाम नहीं बताना है, बस आपको ये बताना है कि सर देखो ये कंपाउंड है, बिल्कुल है सर, इस कंपाउंड में हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा है, बस आपको ये बताना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, इसके आगे आपको इसका नाम लिखना है। इस तरीके से जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया CH3COCH3, इसमें केवल आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है, मेरी बात सुन लो, इसका आपको IUPAC भी नाम नहीं देना है, केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप का नाम आपको बताना है। इसी तरीके से जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया CH3COOH, तो इसमें आपको बताना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फिर जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया CH3CH2OH, इस तरीके से मैंने आपको इसके आपको नाम बताना है कि कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फिर जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि CH3CH2 और CL, इसका आपको नाम बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ओके। ये बात समझ आ रही कि आपको क्या करना है, इनमें सभी को आपको फंक्शनल ग्रुप के नाम बताने हैं। हम लोग नाम देने का काम नेक्स्ट वाले हम लोग वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है, ओके। तो इतनी चीज़ें आपको प्रिपेयर कर लेनी है विद देयर सफिक्स, कि भाई इसमें हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं, कैसे पहचानते हैं कि क्या ग्रुप हमारा अटैच है। तो इस तरीके से आपको सब आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि अच्छा देखो CHO है तो दैट मीन हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो देखो ये वाला हमारा जो होगा ये हमारा होगा एल्डिहाइड, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कीटोन है, और इसमें हमारा ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, इसमें हमारा एल्कोहल है, और इसमें हमारा हैलोजन यानी कि इसमें हम क्लोरो बोलेंगे कि हमारा क्लोरो अटैच है।
तो ये आपको बस नाम देने आना चाहिए। क्लियर है बात। देखो अगले वाली वीडियो में हम लोग इसका हर एक हम लोग फैमिली, अब ये सब हमारी ना, ये सब हमारी एक सीरीज़ बन जाएगी, जैसे हेलोजन, तो हेलोजन की एक सीरीज़ बनेगी जिसमें बहुत सारे हमारे कंपाउंड्स बनने वाले, अल्कोहल जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब बनने वाले, एल्डिहाइड यानी कि अल जिसको हम लोग बोलेंगे, तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, मतलब कि मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉइक, ये सब सारी चीज़ें बनने वाली हैं। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, फिलहाल बस आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इनके नाम आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, तब तक अपना ख्याल रखो।